हेलो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर हैं, आगरा आ चुके हैं। जगह का नाम क्या है? रामबाग। तो रामबाग पर हम खड़े हुए हैं। और तो गाइस, हम आ चुके हैं ताजमहल के। हाँ, तो रामबाग और यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, तुमको पता ही है यार। रामबाग कहाँ है और ये वाटर बॉक्स कहाँ है, अब तो पता नहीं लगता है। पर यार, आज हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अभी ऑटो वाले से बात कर लिए यार, बाहर बैठा रहे हैं, चार लोग अपने हैं। कोई बात नहीं, अभी दो चार मिनट में अपने लोग आ रहे हैं, अपन चार लोग जाएंगे ताजमहल। और ताजमहल के अभी चार गेट है, पता नहीं कौन सी गेट बता रहेगा, कहाँ आएंगे लेके, पता नहीं अपने को। चलिए देखते हैं इनको क्या ये पता है। जैसे ही आप वेस्टर्न गेट से एंट्री लोगे, उसके बाद सबसे पहले यार, अगर आपको खाना पीना खाना हो तो नाश्ता पानी कर लो। वेस्टर्न गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ताजमहल की तरफ जाने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक जगह देखेगी, जहाँ पे आके आप क्या क्या खा सकते हैं। छोले भटूरे खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, भेलपूरी खा सकते हैं, भेल खा सकते हैं, जो मर्जी हो खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। अरे आप एनर्जी रखेंगे तभी ताजमहल घूम पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है ताजमहल, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे खा पी लेते हैं। यहाँ पे हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं। और अगर सीधे आप वेस्टर्न गेट पे आना, यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारा वेदर हो रहा है। एक्चुअली आज हम घूमने नहीं आए हैं, हम अपना एक वर्क करने आए हैं कॉलेज के लिए। यस, एक आगरा डे आउट भी, यस, एंड अपना असाइनमेंट भी करने आए हैं। होप सो जो हम जिसके लिए आए वो हमारा काम कंप्लीट हो जाए। रुको, गाइस हमें आधा घंटा हो गया चल चल के, लेकिन अभी तक हम ताजमहल नहीं पहुँचे हैं। रुको, इन लोगों से पूछते हैं हम लोग कितनी देर में पहुँचेंगे ताजमहल। अभी वो बात कर रहे हैं, ये लोग अपनी बात गजब बेइज्जती है। अभी दो मिनट रुकते हैं, देखते हैं इनकी बातें कब तक खत्म होती है। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं ताजमहल के पास, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे अंदर सामान लेना अलाउ नहीं है, तो हम अपना सामान यहाँ पे रखेंगे। तो गाइस, ये जो रास्ता है यहाँ पे तीन गेट आगे मिलते हैं, वहाँ से अपन ताजमहल के गेट की तरफ आते हैं। देखिए, जूते चप्पल अलाउ नहीं है, वो ऊपर अलाउ नहीं है, हमको पता है, ठीक है। हम जा रहे हैं नीचे, शुक्रिया बहुत, समझ जाते हैं, देख लीजिए। तो अगर आपको ऊपर नहीं जाना तो खामा खान कोई सूझ सूझ मत लीजिएगा बातों में आगे। और यार, अगर आप बहुत दानी है तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन लगी रहती है, अपने टिकट अपने हाथ में लेके चलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे। सो गाइस, दिस इज द एंट्री गेट ऑफ, राइट नाउ वी आर एंट्रिंग फ्रॉम हियर, दिस इज द वी कैन एंटर फ्रॉम हियर, ओके। सो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस देयर इज ताजमहल, वी जस्ट हैव टू गो ऑन लेफ्ट साइड, ओके। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये गेट कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए आप, एज यू कैन सी, जैसे जैसे मैं पास आ रही हूँ वैसे वैसे ताजमहल। वैसे वैसे देखिए ताजमहल कितने पुराने हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे इसका स्ट्रगल, इसने कम से कम 10-15 शॉट ले लिए, लेकिन एक ढंग का फोटो नहीं खींच पा रही है भैया की। और भैया सेटिस्फाई भी नहीं हो रहे, ये बाबा कैमरा हिला दे रही है।
देखो दिल से बुरा लगता है जब हमारा फोटो कोई नहीं लेगा और हम लेते रहे इतना बढ़िया बढ़िया, दिल से बुरा लगता है, दिल टूट चुका है हमारा। इस भाई ने भी ट्राई करके देख लिया, इसने 25 दफा ट्राई किया पर एक फोटो नहीं आ पाया इसका, ऐसा देख लीजिए मतलब अच्छा नहीं लगता हमको, दिल से अच्छा नहीं लगता यार ऐसा फोटो। अब देखो ताज का तुमको एहसास ऐसे तो करा नहीं सकते हैं, ठीक है, अब जैसे फोटो में दिखा रहे हैं वैसे देख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे बैठे हो तो तुमको मजा तो दे के रहेंगे, हम शांति से चल दे रहो हमारे साथ। देखिएगा हम पानी की तलाश में, पानी के मारे मर चुके हैं, पानी तो यहाँ पे पानी होता है पर पता नहीं ना चल रहा है या नहीं चल रहा है, यहाँ पहुँचा सकते हैं, सच में प्यास लग रही है, अच्छी है। और उस मशीन से पहले ही बता दें दर्द ज्यादा कम नहीं होता, बस राहत होता है, ठीक है, एकदम आपको झंझनाहट होगी, वाइब्रेशन फील होगा जिससे आपको दर्द से कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, उसके बाद वापिस से दर्द होगा। अब ये आपकी चॉइस है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। चलिए ये देखिए ये मशीन। यार ताजमहल में बिना फॉरेनर के फील नहीं आता और यहाँ पे आज फॉरेनर हो चुका, मैं दिख ही नहीं रहा, तो बेचारे बंदे को फोटो खिंचवाने के लिए जुगाड़ नहीं मिल रहा है। हाँ हम तो कह रहे हैं बैठ जाओ एकदम बढ़िया फोटो खींच देंगे, पर फील नहीं आएगा, इनको चाहिए फील। अब फील हम दिलवाएंगे जैसे तैसे, काम करवा के एकदम फोटो खींच के, अब इनको काम चलाना पड़ेगा, बाकी इतने प्यासे हैं अंग्रेज मिल भी जाता तो इनकी फोटो खिंचाने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है, खिंचवा लेते हो भाई, देख रहे हो हिम्मत कैसे आ जाता है लोगों में। धूप धूप कैसी है धूप, इस धूप में मैं मर जाऊं, आधा खो मैं जाऊं। सस्ता सिंगर सिंगर है। तो अब हम एंट्री यहाँ पे लेने वाले हैं रेड फोर्ट के लिए, आधी एनर्जी हमारी खत्म हो चुकी है ताजमहल में, और लगता है पूरी हम खत्म कर देंगे लाल किले में, ठीक है, तो यार एनर्जी खत्म करने के लिए हम आ चुके हैं लाल किला, चलिए बहुत सारे नए फैक्ट्स मैं निकालूंगा आज, फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट एक्चुअली जो है स्लाइड इंक्लाइंट क्यों बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंट क्यों किया गया है, ठीक है, तो जब पहले ज़माने में कोई भी यार अटैक करने आता था यार इनके किले पे, तो कहीं ना कहीं यार अपनी सेफ्टी के लिए उनको कुछ ना कुछ मेज़र रखना था जिससे कि वो अपने किले को सेफ रख सकें, ठीक है, तो सेफ्टी के लिए उनने क्या करा यार ये इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन इसलिए कर दिया कि जब रोलर वहाँ से रोल करते हुए नीचे आए तो कोई एंट्री लेके ऊपर नहीं आ पाए, घोड़ा रहा है इंसान रहा जो इंट्रूडर अपन कह सकते हैं तो ऊपर तक नहीं आ पाए, गलती से अगर बचेगा तो ये दीवार देख लीजिए आप, ऊपर देख लीजिए ऊपर देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता था प्रॉब्लम हो जाती थी उनको, चल अब दीवार से चिपकेंगे तो एकदम बिलबिलाएंगे एकदम पागल हो जाएंगे, एकदम जब वापस इधर आएंगे तो रोलर यहाँ से चलता हुआ आएगा, बेचारे ना इधर के रहे ना इधर के रहे मर के जाएंगे। गाइस भैया उधर जा रहे हैं और देखिए ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कुछ है यहाँ पे, कोई होल नहीं है, ध्यान से देख लीजिए कोई कोई गैप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वीडियो में दिख रहा है ना सब, ये देखिए यहाँ पे कोई भी छेद नहीं है भैया, इधर और ये कॉइन और देखिए कॉइन इधर से, अब ये कैसे हो रहा है इस चीज को देखते हैं जरा, इसका फैक्ट देखते हैं, आइए यहाँ से आपको ऐसा दिख रहा है ना, आइए आइए ये देखिए, यहाँ से बंद क्यों दिखाई दे रहा था,
इसको रीजन को समझाता हूँ। एक्चुअली दैट इज स्पेशली इंटीरियर ग्राफिक्स, इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से है कि आपको जो बाहर से उस पॉइंट पर व्यू से देखो, तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों है कि बाहर से खुला नहीं दिखाई दे रहा, ये है प्रोजेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप चीज को देखते हैं तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट होती है, बस ऐसा लगता है इसका प्रोजेक्शन कि ये बन है। ठीक है गाइज, देखिए ये रेड फोर्ट कितना ऊंचा है, ये देखिए लुक एट दिस। अब हम भी बहुत बुरी तरह थे। देखिए गाइज, यहाँ से पता है हम बोलेंगे बहुत देर बोलिए। तो गाइस आज देखिए अभी अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लाल ये आगरा फोर्ट के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी के, तो आप अपने थिंकिंग कह लो बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा घूमा मैं, ठीक है, और हम चारों में से एक आना और वो उसको बता दिए होगा, सामने वाला बता रहे, ठीक है। ये स्पर्श हंजीरा, ठीक है, हाँ जी तुम उधर खड़े हो जाओ। तो अब मैं इधर कोई नाम बोलूँगा, वो उसको सुनाई देगा और वो बताएगी कि हम जा सकते हैं किसका नाम है, ठीक है, और वो नाम कैसे बोलो। अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं होता आप खुद यहाँ पे आके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार आप वहाँ तक लेके जाइए कैमरे को और यहाँ से सुनाई दे रहा है, अच्छा बात है। पंछी ऊपर यहाँ पे ऐसा क्यों होता, उसका रीजन क्या है, गजब कर दिया, क्या करा इनसे, ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ है, जिसके बीच में बना दी एयर गैप, और वो एयर गैप जब पुल के घूमते हुए यहाँ घूमते हुए यहाँ खुलता है, ठीक है। अभी एयर गैप खुलता है यहाँ, ठीक है, तो क्या है एयर, एयर है मतलब साउंड कैन ट्रेवल, साउंड कैन ट्रेवल वहाँ से अगर ताजमहल देखा था तो हमें ये बहुत पास लग रहा था, और अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर दिख रहा है। देखिए हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही।